हेलो कालावा, आज मैं आपके सामने लेके आया ATV की बाइक। इसमें बाइक का इंजन लगा रहता है, ये जनरली आपने दुबई में देखे होंगे। तो चलिए आज हम करने वाले हैं इसका रिव्यू, प्रॉपर कैसी दिखती है, कैसे चलती है और कहाँ आप चला सकते हैं। तो आइए लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में। तो आप जैसे ही ATV बाइक के फ्रंट लुक में आते हैं, आपको यहाँ पे मिल जाते हैं दो प्रोजेक्टर हेडलैम्प इस साइड में और यहाँ ऊपर में मिल जाती है आपको DRL जो कि 6 LED लाइट में दिया गया है। आप जैसे यहाँ बम्पर के बाजू में देखेंगे तो आपको यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाते हैं इस साइड में भी। यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं, ना कि डिस्क ब्रेक। पीछे साइड में ड्रम ब्रेक मिल जाता है। यहाँ पे दिए गए इसके सॉकअप्स, यदि आपको दिख रहे होंगे प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे दिए गए इसके सॉकअप्स। साथ ही में यहाँ पे लोड रखने के लिए थोड़ा बहुत प्लास्टिक का है, प्लास्टिक फाइबर का है। और यहाँ पे रहा इसका मीटर वगैरह, आपको उस साइड से दिखाऊंगा अभी। ये रहे इसके टायर्स ऑफ रोडिंग वाले, ऐसी दिखती है साइड लुक ATV की। इसमें आपकीcar.com इसको यहाँ पे रिस्पॉन्स पर कर रही है। अब जैसे आप पीछे की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है डिस्क ब्रेक और इधर ही साइड में यहाँ साइलेंसर, पीछे का स्टॉप लाइट। और ये रही इसकी नंबर प्लेट, नंबर प्लेट में सिर्फ दुबई लिखा है, ये इलीगल है, बट यहाँ पे लीगल तरीके से लाई गई है। अब जैसे आप पीछे साइड में देखोगे तो यहाँ पे एक सॉकअप रहता है, इधर में सॉफ्ट कनेक्ट रहती है मोटरों से। चलिए अब ये तो बात हुई इसकी, अब थोड़ी आपको इधर बता देते हैं। ये रहा इसका गियर जो कि पीछे में रिवर्स, फ्रंट में आगे का लगता है फ्रंट साइड का। अब बात करते हैं इसकी, नॉर्मल बाइक जैसी स्विच है बट इसमें एक चेंजेस है। इधर साइड में रहा इसका एक्सलेटर, इस साइड में नहीं रहता, ये रहता है इसका एक्सलेटर। यहाँ पे दी रहती है इसकी स्विच, इसको ऑफ कर देते हैं। ये रहा एक्सलेटर, यहाँ पे मिल जाता है इसका आपको थोड़ा सा मीटर, इसी में न्यूट्रल लाइट, रिवर्स लाइट और हेडलाइट का ऑप्शन दिया जाता है। इधर की बात करते हैं, यहाँ पे पीछे के डिस्क के लिए यहाँ पे ऑयल गेज यहाँ पे दिया जाता है, यहाँ पे इस तरीके से आराम से पैर रखने के लिए दिया जाता है। ये रहा इसका फ्यूल लीड, ये रहा इसका इंजन जो कि 100 CC के आसपास का रहता है। इसमें एग्जैक्ट मुझे इसके इंजन की पावर नहीं पता अभी कितनी है। चलिए अब बात करते हैं इसके थोड़े से बैठने के बाद चलाने पे कैसी है गाड़ी। जैसे ही आप यहाँ पे स्विच को ऑन करेंगे, सबसे पहले इग्निशन ऑन होती है, उसके बाद में दैट्स ऑल, इसका कोई काम नहीं रहता। यहाँ पे रहती है स्टार्ट बटन, यदि कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे स्टार्ट बटन रहती है, यहाँ से सेल्फ स्टार्ट होती है गाड़ी। यहाँ पे रहता है लॉक सिस्टम, ये जैसे स्कूटियों में रहता है वैसे ही अपन प्रेस करके रखेंगे, इसको अनलॉक करेंगे तो लॉक हट जाएगा। इधर साइड में भी सेम प्रोसेस में रहता है। चलिए आपको इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि कैसा रहता है इसका स्टार्टअप। यहाँ से मैं मारता हूँ इसका सेल्फ स्टार्ट, आप फिर इसकी आवाज़ सुनिएगा। ये एक्सलेटर इस साइड में दिया जाता है इसका। अब आपको इसकी थोड़ी सी ड्राइव करके बताते हैं।